लोग ऐसा क्यों कहते हैं माधुरी और मैंने फिल्म इंडस्ट्री साथ में ज्वाइन की. फिल्में इतनी इतनी सारी बनती हैं जहाँ हीरोइन इज प्रॉबेबली 1/4 ऑफ द फुल फिल्म. सब लोग सनी को बहुत मानते हैं इस फिल्म में. मैं चिंटू जी को बहुत मानती हूँ. वफादारी की वो रस्में निभाएंगे हम तुम कसमें, एक भी सांस जिंदगी की जब तक हो अपने बस में. यू आर नेचुरल इन स्वाति. आई स्टिल रिमेंबर यू वन अवार्ड ऑल्सो फॉर दैट फिल्म. आपको और बहुत ही प्यारी फिल्म थी. यू वर्किंग विद सो मेनी ग्रेट पीपल आउट देयर. उस फिल्म में बहुत ही प्यारी फिल्म थी. अनफॉर्चुनेटली आई थिंक आपके करियर के बहुत स्टार्ट पे आ गई फिल्म. शायद अगर वो स्टार्डम के बाद अगर आती तो उस फिल्म का आज भी जिस तरह हम दामिनी की बात करते शायद करते. स्वाति तेलुगु फिल्म की रीमेक थी और LV प्रसाद जी ने प्रोड्यूस किया और मैं ये अब आज तक आई एम थैंकफुल टू हिम कि इतने अर्ली मेरे करियर में उन्होंने मुझे इस तरह का रोल दिया और उन्होंने सोचा कि मैं इस काबिल हूँ. और उनके उस मुझे वैसे कास्ट करने की वजह से आगे जाके मुझे वैसे और फिल्में मिली जी. या लोगों ने सोचा कि दामिनी जैसी फिल्म करनी चाहिए बिकॉज दे ऑल सॉ दैट पोटेंशियल विच हैड नॉट बीन फुल्ली रियलाइज्ड. एंड वर्किंग आई थिंक वेदा जी राइट. शर्मिला मैम. शर्मिला जी, शशि जी, माधुरी. माधुरी वॉज वॉट नहीं भी तो तब तक तो उनकी एज अ हीरोइन प्रॉपरली नथिंग कुछ हुआ भी नहीं था. शी वॉज जस्ट डूइंग स्मॉल रोल्स एट दैट टाइम. नहीं नहीं राम लखन के भी बहुत पहले थी. आप लोग ऐसा क्यों कहते हैं माधुरी और मैंने फिल्म इंडस्ट्री साथ में ज्वाइन किया. आई डिड पेंटर बाबू, शी डिड अबोध. 85-86 mid 80s. या सो आई मीन वी आर काइंड वी आर पीयर्स. Okay, but how was working with these actors? हाँ, शर्मिला मैम ऑल्सो बहुत कुछ सीखने को मिला. एक तो नेचुरल मेकअप. आई वॉज फैसिनेटेड बाय हाउ शी डिड हर मेकअप. शी यूज टू यूज काजल. ओ गॉड, एंड हर आईज वर सो ब्यूटिफुल. यू नो इट्स लाइक दिस. इट इज अ अनरियल फीलिंग कि ये टॉप के स्टार्स 50s के, 60s के, 70s के, और मैं मुझे मिल रहा है उनका यू नो कभी आशीर्वाद, कभी ब्लेसिंग्स, कभी उनके एक्सपीरियंस से सीखने को मिल रहा है. आई थिंक नथिंग बेटर देन दैट. आपने यश चोपड़ा की बात की, मैंने वही कहा सर्कल ऑफ लाइफ वहाँ पे उस वक्त यश चोपड़ा के वजह से वो आपकी बच्चन साहब से मुलाकात तो नहीं हुई लेकिन यू वर्क विथ हिम. यू देयर इज अ सॉन्ग व्हिच वाज पिक्चराइज्ड इन स्विट्जरलैंड इन द मूवी विजय. अगेन ग्रैंड फिल्म. क्या स्टारकास्ट थी. आई थिंक उस वक्त की बिगेस्ट स्टारकास्ट कह सकते हैं. राइट फ्रॉम राजेश खन्ना जो रोल था. अगेन दिलीप साहब वॉज ओरिजिनली सपोज टू बी देयर ऐसा भी पढ़ा था. यू वर्कड विद ऋषि कपूर, अनिल कपूर, एवरी राज बब्बर सब थे आई थिंक उस फिल्म में. हाउ वॉज दैट एक्सपीरियंस. विजय में इट वॉज अ मल्टी स्टारर और यश जी ने वैसे कुछ और फिल्में भी बनाई हैं. रोल छोटा था पर अगेन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. यश जी एक ऐसे डायरेक्टर थे जो सबको एक फैमिली जैसे फीलिंग, पारिवारिक जैसे फीलिंग में जकड़ लेते थे. सो मच सो कि पीपल वर विलिंग टू डू एनीथिंग फॉर हिम. ऑफ कोर्स. एंड उनकी वाइफ पैम जी ने जब एक बहुत बड़ा आयोजन किया जिसमें एवरीबडी रिमेम्बर्ड यश जी एंड ऑल हिज हीरोइंस वर ब्रॉट ऑन स्टेज, ईच ड्रेस सो ब्यूटिफुली एंड लुकिंग सो मार्वलस. मैंने सोचा मैं USA में हूँ, अदरवाइज आई वुड हैव ऑल्सो बीन ग्रुप ऑफ पीपल रिमेम्बरिंग यश जी एंड यू नो प्रेजिंग हिज लाइफ वर्क. यू ऑल्सो वर्क विद देव साहब उसी साल में सच्चे का बोलपाला. अगेन जैकी, आई थिंक योर्स एंड जैकी की कह सकते हैं वन ऑफ द लास्ट फ्यू फिल्म्स में से भी सच्चे का बोलबाला है जो जोड़ी शुरू हुई थी. बट देव साहब के साथ काम करना, हेमा मालिनी की सिस्टर का रोल आपने किया था, फैबुलस म्यूजिक. हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस. वी आर इन 100th ईयर ऑफ देव साहब. देव साहब एंड दिलीप साहब, मैं दोनों के साथ मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि दे
काइंड ऑफ पास्ट ऑन देयर स्टाइल टू मी. जब मैं उनके साथ काम कर रही थी, मैं एक मिनी देव साहब, मिनी दिलीप कुमार जैसे. सीरियसली, यू शुड से फॉर एग्जाम्पल, ही टोल्ड मी दिस कि फिल्म इज वेरी स्लो. लोग बहुत टाइम लेके एक खींच खींच के डायलॉग बोलेंगे तो ऑडियंस नहीं बैठ पाएगी. ही वुड टेल एनकरेज अस टू हार्डली हैव टू मेनी साइलेंसेस एक्सेप्ट वेयर इट वाज नेसेसरी. तो दैट वाज वन थिंग आई लर्न फ्रॉम हिम, क्योंकि मेरी एक आदत थी कि मैं बहुत पॉजेस लेती थी डायलॉग्स डिलीवरी की तरह टाइम पे. और दिलीप साहब के साथ भी, यू नो, हिज वन his way of, you know, doing dialogues, the way he uses his hands, his arms, theatrical. Haan, thoda theatrical. So in Kalinga, which unfortunately didn't get completed, I also borrowed a little bit of that body language. But Dev saab, matlab, were you fan of Dilip Kumar Devanand as a, you know, growing up days mein? Absolutely. Hamare parents, they were seeing all those movies, so hum logon ne bhi dekha. और म्यूज़िक वॉज अ बिग प्लेड अ बिग रोल, क्योंकि अभी भी मैं जब मधुमति के गाने सुनती हूँ, और इतने सारे गाने हैं, ईच सॉन्ग इज़ बेटर देन द नेक्स्ट. एंड म्यूज़िक लविंग फैमिली से हूँ मैं, खुद मैंने म्यूज़िक सीखा है, गाती हूँ, तो आई थिंक दैट टाइड मी मोर क्लोजर टू दीज परफॉर्मर्स. एक ऐसा साल था जब आपकी कई कमाल की फिल्में आई, कमाल का म्यूजिक आया, जुर्म, गायल, आवारगी, घर हो तो ऐसा, चारों फिल्में डिफरेंट, चारों फिल्में सुपर हिट. अगेन पहले तो जुर्म से शुरू करते, वो सॉन्ग आज तक वो अमर सॉन्ग एक होता है ना, वो हो गया. कभी भी वैलेंटाइंस डे हो, किसी के भी एनिवर्सरी हो, लव सॉन्ग हो, जब कोई बात बिगड़ जाए, हैज टू बी देयर. क्या मेमोरीज है उस सॉन्ग से? जब मैंने वो गाना सुना, मैंने सिर्फ ये सोचा, ओहो, दिस इज द सॉन्ग ट्यून ऑफ इंग्लिश, या ऑफ कोर्स ओरिजिनल. पर उसको इतने अच्छे से अडैप्ट किया, एंड आई एम हैप्पी कि वो एक लव एंथम बन गया है लोगों के लिए. मेरे साथ ये कई बार होता है कि मैं कहीं भी जाती हूँ तो the people will play that music. Achha. Or hero's music. Right. So ek identification jaisa ho gaya hai. I also like to sing that song. Please. Please, please. Yeah. But it's going to be like very basic singing. Okay? Done. Achha. Wafadari ki wo rasme nibhayenge hum tum kasme. एक भी सांस जिंदगी की जब तक हो अपने बस में. जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा. न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा. Ooh, goosebumps, goosebumps, ma'am. Wow, thank you for this one. This is a pleasant surprise. But kya, seriously, kya lines the, kya kamal ke likhe gaye the, the way it was song. You perfectly said English gana tha, lekin usse bahut hi apna bana diya yahan pe, jo is tarah se usse banaya gaya tha. But Gael, you know, ek aisi shuruaat jo wahan se hui thi, that is yours and Rajkumar Santoshi ki jo teen filmon ki jodi. Gael, Tamini, Ghatak. रोल भले सनी देओल की फिल्म थी, बट योर रोल वॉज वेरी गुड इन दैट फिल्म. एक डिफरेंट टाइप का रोल था, एंड प्यार तू मुझसे करती हो, तो आई मीन सुपर सॉन्ग, इतना मज़ा आता है वो गाना. सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा. क्या मेमरीज याद है. मैंने ये भी पढ़ा था, इट वॉज यू हु रिकमेंडेड राजकुमार संतोषी फॉर अनदर फिल्म, और वहाँ से फिर कनेक्शन कुछ हुआ था, ऐसा कुछ स्टोरी था. तो क्या था घायल के पीछे की कुछ कहानी बताइए. नहीं, घायल में मैंने कुछ नहीं किया. okay. मुझे बस जब पूछा गया,
ये अभी मैं एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बताने वाली हूँ. जी जब धर्म जी सनी को बेताब में इंट्रोड्यूस करना चाह रहे थे, ही स्क्रीन टेस्टेड मेनी पीपल इंक्लूडिंग मी. सीरियसली? सीरियसली. ओह. और अल्टीमेटली आई थिंक हिज चॉइस ऑफ अमृता वॉज द बेस्ट. शी वॉज एब्सोल्युटली अमेजिंग. तो जब मुझे डकैत के लिए पूछा गया कि सनी के साथ काम करोगी, आई वॉज एक्साइटेड. एंड देन आफ्टर दैट घायल. एंड द नरेशन दैट राज जी गेव, आई न्यू दैट दिस वॉज अ डायरेक्टर रियली इन कमांड ऑफ हिज आर्ट. एंड इट डिड नॉट मैटर कि सनी की मेन फिल्म थी. वैसे भी हिंदी फिल्में इतनी इतनी सारी बनती हैं जहाँ हीरोइन इज प्रॉबेबली 1/4 ऑफ द फुल फिल्म. एंड द सीन्स, इंडिविजुअल सीन्स जो मुझे दिए गए थे, सब मेमोरेबल थे. तो दे समटाइम्स से इफ यू हैव फ्यू गुड सीन्स एंड यू परफॉर्म इट वेल, दैट इज एज इम्पॉर्टेंट एज हैविंग अ ऑथर बैक्ड रोल. बट वहाँ से ही जो पहुँची, आई थिंक वहीं से शुरुआत हुई दामिनी की. एक ऐसी फिल्म जो आज इतने साल हो गए, दामिनी ऑल्सो आई गेस वी कम्प्लीट 30 years ऑफ दामिनी दिस ईयर. यस. यू नो, एंड इतने साल हो गए, स्टिल दैट फिल्म इज़ रेलेवेंट. आज देश में जो चीज़ हो रही है, वो फिल्म मुझे, आई थिंक आज भी वो फिल्म देखते हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं. योर परफॉर्मेंस, द स्टैंड यू टेक इन दैट फिल्म, बहुत ही कॉम्प्लेक्स रोल था. इट कुड हैव गॉन, यू नो, शायद प्रीची भी बन सकती थी. उस जमाने में लोग उसे आर्टी फिल्म भी कहकर नाकार सकते थे, बट इट डिड नॉट हैपन. कहीं ना कहीं जो आपकी कन्विक्शन, राजकुमार संतोषी की कन्विक्शन थी, एंड ऑफकोर्स सनी देओल फैक्टर, ये तीनों साथ में जो मिले, समथिंग मैजिक केम आउट एंड एक क्लासिक बन गई. प्लीज़ कुछ बताइए उस फिल्म से. दामिनी, आई थिंक द स्टोरी ऑल्सो हैड सम इंक्लिंग ऑफ समथिंग मेड आउटसाइड इंडिया. ओके. एक जर्म जो था आइडिया का, जी, आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ द नेम ऑफ दैट फिल्म, पर दैट डज नॉट मैटर, क्योंकि जो अल्टीमेटली फिल्म बनी उसमें कूट कूट के ओरिजिनलिटी, क्रिएटिविटी भरी हुई थी. अच्छी फिल्म जब बनती है तो ना सीन बाय सीन, रोल बाय रोल, सब अपने जगह पे फिट बैठ जाते हैं. दामिनी के साथ भी वैसा ही हुआ. सो आई गिव फुल क्रेडिट टू द राइटर, द डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, सब लोग सनी को बहुत मानते हैं इस फिल्म में. मैं चिंटू जी को बहुत मानती हूँ. आई फील कि जब आपको मेजर लाइंस नहीं दिए जाते हैं और किसी बाकी कैरेक्टर्स को वो दिया जाता है, एंड देन यू स्टिल होल्ड योर ग्राउंड, और उस पार्ट को उन्होंने ऐसे फ्लैश आउट किया, आई हैट्स ऑफ टू हिम. Only he could have done it. Creating meaning in a role which was not author backed. But kya music bhi kya kamal ka tha. Again, you worked with Aamir Khan also in it. I guess the only Khans which, unfortunately, but yeah, Aamir ke saath wo gaana bahut kamal ka, bahut pyara gaana tha wo. Haan. Bin Sajan Jula Jolu. Achha tha gaana. Aur I'm glad I worked with one Khan at that time. How was that experience? I think it was all impromptu, last moment decision hua tha to get Aamir in the song. Iske piche main kahani nahi janti. Okay. Sirf itna janti hu ki you know, we had to do a dance together aur fun tha. It was, you can't call it a typical filmy song also, but it was still a nice song. I'll ask Aamir, how tough was it for Aamir to match up with you in the dancing song? But Sunny ka favorite dialogue kaun sa aapka? Itne sare dialogues hai, which is your favorite dialogue from Dhamini? Actually, jo mera favorite scene hai, wo uske baare mein log zyada baat hi nahi karte. The courtroom scene? Nahin. Not then, the scene where you first see his introduction. Not the courtroom scenes. Not the scenes with Kadam, the other police inspector. The scene in which he tells Damini ki kuch nahi hoga, maybe biwi ka bhi aisa hua. That was not a typical hangama sequence ki, you know, are taali mar audience ko waise dialogues de diye hain. But that's my favorite scene of Sunny's. It was very natural in that. And I still remember the poster pe you with that entire, that
एग्स या कुलाड़ी, कुलाड़ी लेके आप खड़े हो. हाउ डिड इंडस्ट्री टेक दामिनी सक्सेस एंड योर परफॉर्मेंस? आई थिंक द इंडस्ट्री टुक इट वेरी वेल. और लोग सोच भी रहे थे कि मैं और ऐसे चैलेंजिंग फिल्में करूँगी. मैं उस टाइम दो तीन और डायरेक्शंस में चले गई. एक तो मैं स्टेज पे आई स्टार्टेड परफॉर्मिंग अगेन. सेकंड आई री एनरोल्ड फॉर एमए. अच्छा, आई स्टार्टेड. अच्छा, जो पेरेंट्स को जो एक वादा किया हुआ था पढ़ाई कंप्लीट करूंगी वो. हाँ, बीए तो मैंने शुरू में कर लिया. ओके. पर 7 साल के गैप के बाद आई डिसाइडेड आई वांट टू अगेन गो बैक एंड स्टडी. एंड थर्ड थिंग व्हिच हैपेंड वाज आई डिड 2 films इन द साउथ. ऑफ कोर्स. तो एंड द फोर्थ थिंग व्हिच हैपेंड इज आई फेल्ट कि आई एम रेडी फॉर मैरिज. तो ये कुछ एक आई डोंट नो लाइफ में व्हाई थिंग्स हैपन लाइक दिस बट इट डिड. एंड बट नाउ आई एम बैक. या टोटली बैक इन इंडिया. आई एम टोटली बैक इन इंडिया. आई हैव फुल सपोर्ट ऑफ माई फैमिली एंड माई किड्स आर नाउ इंडिपेंडेंट ऑन देयर ओन. एंड आई फील एक्साइटेड कि फिर से मैं पुनरागमन करूँ. ओह वाओ. मूवीज, ओटीटी, एवरीथिंग. क्या बात है. यस. सो गाइस, दिस इज यू आर हियरिंग इट आउट फर्स्ट टाइम. यहाँ पे मीनाक्षी मैम इज बैक. वो कहीं गई तो नहीं थी, हमारे दिल में तो हमेशा थी, बट अगेन शी इज़ बैक एंड बिग स्क्रीन पे, स्मॉल स्क्रीन पे, दोनों जगह पे आ रहे. सो मैम, दैट्स अगेन ऑल द बेस्ट फॉर दैट. बट कुछ नाम और भी है जिनके बारे में अगर कुछ मेमोरीज आप अगर बात करेंगे. फर्स्ट इज़ ऑफकोर्स श्रीदेवी मैम के साथ आपने जोशीले में काम किया था. हाउ वॉज दैट एक्सपीरियंस विद हर? श्रीदेवी एंड आई यूज टू कीप मीटिंग हियर एंड देयर. अगर एक ही स्टूडियो में दोनों की शूटिंग होती थी तो आई वुड जस्ट गो एंड से हेलो एंड वी चैट फॉर अ बिट. जोशीले में हम दोनों का सिर्फ एक वो गाने में साथ में काम करना था. एंड आई रिमेम्बर सेट पे जब हम लोग दोनों चल के आए शॉट के लिए, देयर वाज दिस टेंशन इन द एयर, यू नो, इट्स श्रीदेवी एंड मीनाक्षी, दोनों डांस करने वाले, यू नो. Like how they would feel maybe at one time about Jaya ji. Yeah, or even earlier, say Amitabh and Vinod Khanna, which, you know, that kind of friction. Sensation and friction in the air. But hum dono, we were very cool, very professional, and it was great doing a song with her. I have that memory which I can hold on to. Wow. एंड माधुरी के साथ अगेन जो स्वाति में काम किया था, आपने भले कहा साथ में किया था बट यू अगेन उसकी बहुत शुरुआती, कैसा था? हाउ वाज शी एट दैट टाइम? माधुरी इज अमेजिंग. व्हाट अ फैबुलस एक्ट्रेस, वेरी नाइस पर्सन. वी हैड फ्यू सीन्स टुगेदर. आपकी छोटी बहन बनी थी ना? यस. ओके. एंड मनमोहन देसाई साहब, लास्ट फिल्म ऑफ मनमोहन देसाई, यू अ पार्ट ऑफ दैट, गंगा जमुना सरस्वती, ऑफकोर्स तूफान में प्रोड्यूसर थे. हाउ वॉज वर्किंग विद हिम? अ वेरी डिफरेंट डायरेक्टर. आपने बाकी सब जो इन लोगों से काम किया, द गाय वॉज लाइक मासेस का पूरा राजा, द किंग ऑफ मासेस, यू नो, कैसा था उनके साथ काम करने का? आई वॉज एक्चुअली वेरी टच्ड, क्योंकि पहले तो उन्होंने अला रखा में मुझे लिया अपने होम प्रोडक्शन में जब मैं एकदम न्यू कमर थी इन 84 में. और गंगा जमुना सरस्वती अलग अलग ट्रांजिशंस के थ्रू गई. पहले इट वॉज सपोज टू बी स्टोरी ऑफ 3 heroes. राइट. देन इट चेंज, इट बिकेम द स्टोरी ऑफ 1 male एंड 2 heroines विद मिथुन जी डूइंग अ वेरी स्पेशल रोल. तो आई फेल्ट गुड कि दिस वॉज नॉट द टिपिकल अमित जी फिल्म वेर यू नो सिर्फ वही छाए हुए हैं और बाकी लोगों का बहुत कम कॉन्ट्रीब्यूशन है. तो वहाँ हीरोइंस का भी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन था. मंजी वॉज he was full of energy. After Dev Saab, he was the one more person I felt was always young at heart. It was he brought in all these gimmicks and pentre and made it look so believable. I think that takes true art. Ek aur director hai, and that is Shekhar Kapoor. Again, naam nahi tha unka film mein, but aapne kaam kiya tha Joshile mein. Again, uske baad to you also were you in part of a South version of Mr. India? Yes.
सो कहीं पे वो भी कनेक्शन था. हाउ वाज वर्किंग विद हिम व्हेन शेखर कपूर केम टू मी? उस वक्त मैं अपने बीए के फाइनल एग्जाम्स दे रही थी. अगले दिन मेरा एग्जाम है और वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि वो घर आके मुझे स्टोरी नरेशन देंगे और मुझसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि मैं किस टाइप की पर्सन हूँ, वेदर आई विल रियली सूट दैट रोल और नॉट. एंड आई एम टेलिंग द प्रोड्यूसर मेरा एग्जाम, एक एग्जाम हो जाने दो. नहीं नहीं, वो आउट ऑफ टाउन जा रहे हैं, आज ही उनको टाइम है. टेंशन में थी मैं बैठे मैं उनसे बात कर रही हूँ और मेरा दिमाग मेरे आंसर्स क्वेश्चंस में जा रहा है. एक सीन था जोशीले में मेरा इंट्रोडक्शन, जहाँ द टू हुडलम्स दे आर ट्राइंग टू यू नो एक्ट फ्रेश विथ मी और मैं उनको मैं एक डायलॉग सुनाती हूँ. तो वो कुछ कहते हैं कि तुम कहाँ से आई हो छमिया या समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो द एग्जैक्ट डायलॉग. और मेरा जवाब कुछ ऐसा था कि जहाँ तुम्हारे माँ कोठे में बैठी है वहीं से आ रही है. उसके काफ़ी रिटेक हुए वैसे. सो आई ही इज अ काइंड ऑफ अ परफेक्शनिस्ट. थैंक यू सो मच. वेलकम. रेडियो नशा.